पता है, एक बेटी की शादी ना ऐसे ही नहीं होती। जिस दिन घर में बेटी पैदा होती है, उसी दिन माँ अपनी कान की झुमकियां और गले का हार उतार कर संदूक में रख देती है और कहती है कि ये मैं अपनी बेटी को दूंगी, और बाप अपनी सोने की चेन और अंगूठी को संभाल कर रखवा देता है, ये कहकर कि हमारी बेटी की शादी में काम आएगी। यहाँ तक कि माँ तो अपने घर की सबसे अच्छी रजाई भी उसी दिन से संभालना शुरू कर देती है। ऐसी कई चीजें रख रख कर दहेज का एक संदूक तैयार कर देती है। फिर भी माँ तो माँ होती है, वो रोज बाप से लड़ती है, ये कहती है कि थोड़े पैसे अलग से दिया करो, बेटी की शादी भी तो करनी है। जबकि पहले से ही उस बेटी के नाम एक कमेटी और प्रॉपर्टी कर ही रखी होती है। फिर भी मजदूरों की तरह मेहनत करने वाला बाप ये सोच कर बैठा होता है कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करूंगा, उसे हर एक नई चीज खरीद कर दूंगा, उसके सपनों का राजकुमार दूंगा और सारी दुनिया उसकी शादी देखेगी। पर पता नहीं क्यों उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने अपनी बेटी के लिए खुद को बेच दिया हो।